दिल्ली में पाबंदी के बावजूद जिग्नेश मेवाणी के दलित रैली समर्थकों के साथ जंतर मंतर इलाके में बीजेपी के खिलाफ हंगामा किया। हुंकार रैली में जिग्नेश मेवाणी ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा दबाई जा रही है दलितों की आवाज। जिग्नेश की रैली में दिखाई दिए जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और कन्हैया कुमार, केंद्र सरकार के खिलाफ सबने मिलकर हंगामा किया। जिग्नेश के हुंकार रैली में उठी चंद्रशेखर की भी रिहाई की मांग, कहा हिंदू राष्ट्र की सोच के लिए खतरा है भीमसेना के संस्थापक। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जिग्नेश की रैली का समर्थन किया, कहा दलितों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी की सरकार। जहां सरकारें जो हैं बीजेपी की हैं वहां बहुत अत्याचार हुए हैं और जिग्नेश उन आम लोगों में से हैं जिन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर एनजीटी ने लगाई है रोक, संसद मार्ग के इलाके में जिग्नेश ने सजाया था मंच। की कुर्सियां पाबंदी के कारण बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे समर्थक। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच हुई जिग्नेश मेवाणी की रैली, तैनात रही अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अब नहीं होगा जरूरी, केंद्र के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश में संशोधन किया। सरकार ने कोर्ट में दिया था हलफनामा, पुराने हालात को बहाल करने की अदालत से रखी थी मांग। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को लेकर सरकार को फैसले लेने के निर्देश, अंतर मंत्रालय समिति कर रही है विचार। तो उससे चर्चा में आई है कि पूरे मामले पर एक बड़ी कमेटी बनी और विस्तार से चर्चा करेगी, उसके बाद हम फिर रिपोर्ट देंगे। इसको कोई बैकट्रैक करने का सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आज कहा है इसको ऑप्शनल माना जाए। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को लेकर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, कहा ऐसे कई मामलों पर करना होगा पुनर्विचार। बीजेपी को ऐसे बहुत से फैसलों पर देखना पड़ेगा जो बार बार हर चीज को नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं और वो भी हिंदू नेशनलिज्म से। मदरसों को बंद करने की शिया बोर्ड की मांग पर विवाद, पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा धार्मिक शिक्षा के नाम पर किया जा रहा है गुमराह। शिया वक्फ बोर्ड ने पीएम को चिट्ठी में की मदरसों में पाक से फंड की शिकायत, कहा बच्चों को बनाया जा रहा है कट्टरपंथी। पढ़ने के बाद कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं आता, आज तक कोई ना इंजीनियर बन पाया ना कोई डॉक्टर बन पाया। बताइए आतंकवादी कितने निकल चुके हैं इन मदरसों से और अच्छे स्कॉलर्स जो हैं वो कम निकल। मदरसों पर शिया वक्फ बोर्ड के स्टैंड से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज, बताया सदी का सबसे बड़ा मजाक। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसों के सिलसिले में जो बात कही गई है वो इस सदी का सबसे बड़ा जोक और सबसे बड़ा मजाक है। मदरसों को लेकर बीजेपी की सफाई, कहा बंद करने का नहीं है इरादा, आधुनिक शिक्षा देना चाहती है सरकार। हम मदरसे के आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं कि उसमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हो ताकि बच्चे वहाँ से वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर भी बन सके। बहरीन में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी आग बबूला, कहा देश को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी ने राहुल गांधी पर मढ़ा नफरत फैलाने का आरोप, पूछा तीन तलाक पर अपना स्टैंड बताएं। एक सवाल पूछना है, तीन तलाक पर आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया वो क्या प्यार फैलाने वाला स्टैंड था या नफरत फैलाने वाला स्टैंड था? बहरीन में राहुल ने मोदी सरकार पर किया था वार, कहा नाकामियों को छिपाने के लिए नफरत फैला रही है बीजेपी। प्रवासी सांसद और मेयर के पहले सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से सुधरी है भारत की छवि। बिरसा मुंडा जेल पहुंचे लालू के दो सेवादार, मारपीट और लूट के केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मिला आरजेडी चीफ का साथ। पहले डोरंडा थाने में की गई थी फर्जी मुकदमे की कोशिश, बात नहीं बनी तो लोअर बाजार थाने में दर्ज कराया केस। रांची में दूध का कारोबार करते हैं मदन यादव और लक्ष्मण यादव, लालू के रांची प्रवास के दौरान दोनों पर होती है सेवा की जिम्मेदारी।
लालू के सेवादारों को लेकर आरोपों को आरजेडी ने किया खारिज, वीडियो दिखाने की दी चुनौती। हाँ फूटे अगर सेवा करते हैं तो मेरी चुनौती आप दिखाओ, मैं इसको मानूंगा और मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन बिना फुटेज के आप किसी को सेवाधार करें, कार्यकर्ता को सेवाधार करें। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी को जेल में पड़ा दिल का दौरा, इलाज के लिए लाए गए लखनऊ। मुख्तार से मुलाकात करने बांदा जेल पहुंची थी उसकी पत्नी, इसी दौरान दोनों को आया हार्ट अटैक। एनसीआर में शामिल होंगे यूपी के 4 नए जिले, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर को लेकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास प्रस्ताव। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर वाराणसी में उलेमाओं की बैठक, कहा कोर्ट का फैसला मानेंगे लेकिन अजान लाउडस्पीकर पर ही करेंगे। लाउडस्पीकर हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद गरमाई सियासत, साक्षी महाराज ने मुसलमानों पर निशाना साधा। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर चला बीएमसी का हथौड़ा, पूजा रूम और दफ्तर में तोड़फोड़। मुंबई में अशोक सावंत की हत्या के दोनों आरोपों को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा, 7 तारीख को हुआ था शिवसेना पार्षद का कत्ल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों की ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी। सोपोर में हिजबुल के लिए काम करने वाले 11 स्लीपर सेल भी गिरफ्त में, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। आतंकवादी निकला एमयू का रिसर्च स्कॉलर, हिजबुल मुजाहिदीन ने की मन्नान वानी के आतंकी संगठन में शामिल होने की पुष्टि। कुपवाड़ा का रहने वाला है मन्नान वानी, खबर मिलने के बाद रो रोकर परेशान है परिवार वाले। मन्नान वानी को लेकर अलीगढ़ में कोहराम, हिंदू महासभा ने एमयू के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। मन्नान वानी की खबर के बाद सख्ते में जम्मू कश्मीर सरकार, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने यूपी के सीएम से की बात। मसूरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे, लगभग 2000 के लगभग बच्चे जम्मू कश्मीर के वहाँ पढ़ते हैं और काफ़ी वो जो है पैनिकी हुए हैं, तो इसके मद्देनजर मैंने आदित्य योगीनाथ जी से बात की है। डीआरआई के शिकंजे में आई जेट एवेज की एयर होस्टेस, बड़ी तादाद में अमेरिकी डॉलर लेकर हांगकांग जाते वक्त गिरफ्तार। डीआरआई ने 25 साल की एयर होस्टेस के पास से बरामद किए करीब 3.5 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर, हवाला कारोबार का आरोप। एक्सरे से बचने के लिए एयर होस्टेस ने एल्यूमिनियम फॉयल में छिपा रखे थे डॉलर, कहा 2 महीने में विदेश ले गई करीब 10 लाख US डॉलर। एयर होस्टेस की निशानदेही पर दिल्ली के एक हवाला कारोबारी गिरफ्तार, अमित मल्होत्रा के घर से करीब 1600 अमेरिकी डॉलर बरामद। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एयर होस्टेस और हवाला कारोबारी की पेशी, 2 दिनों के लिए भेजे गए जेल। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के पास से डीआरआई ने बरामद किए 4 लाख के फर्जी नोट, मालदा जा रहा था। मुंबई के अंधेरी में फर्नीचर दुकान पर भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। आगरा में दुकान पर कब्जा करने को लेकर 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात। दिल्ली के द्वारका में डीटीसी बस की बेकाबू रफ्तार का कोहराम, साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर मौत। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 5 साल की बच्ची को अगवा करके बलात्कार, कल से गायब थी। बिहार के हाजीपुर में शौच के लिए गई महिला की रेप के बाद हत्या, लोगों में नाराजगी। कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक के साथ बेरहमी, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के सामने पिटाई। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू रफ्तार कार के पलटने से 3 युवकों की मौत। दिल्ली सटे गुरुग्राम में मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार का भंडाफोड़, 6 लड़कियां और 2 युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा, 6 गाड़ियों के आपस में टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। अहमदाबाद के किराना स्टोर में गैस लीकेज के चलते भीषण आग, 4 लोगों की मौत। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर रजनीश अरोड़ा पर विजिलेंस विभाग का छापा, अवैध नियुक्तियों के आरोपों पर कार्रवाई।
दिल्ली सटे गाजियाबाद में किन्नरों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और थाने के बाहर जाम। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 15 लाख के मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में दो चोरों की तस्वीरें। अप्रैल दिसंबर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18.2% का इजाफा, 9 महीनों में 6,56,000 करोड़ पर आंकड़ा। 90 अंक बढ़कर 34,443 के अब तक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 13 अंक बढ़कर 10,637 पर बंद। 20 रुपए बढ़कर 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना चांदी, 20 रुपए बढ़कर 39,900 रुपए प्रति किलो। भारतीय आईटी इंजीनियर्स को अमेरिका से मिली राहत, H-1B वीजा के नियमों में बदलाव न होने से आसानी से मिलेगा एक्सटेंशन। अगले हफ्ते होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, राजस्व में कमी और टैक्स रिटर्न के सरलीकरण पर फोकस रहेगा। बजट से पहले अलग अलग संगठन रख रहे हैं सरकार से अपनी जरूरतों की डिमांड, फिक्की ने सरकार से की कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी की मांग। आईसीआईसीआई बैंक और ओला के बीच करार, बैंक के ऐप के जरिए लोन क्रेडिट कार्ड के साथ ही मिलेगी कैब राइड की सुविधा। टीवीएस ने लॉन्च किया अपनी प्रीमियम बाइक विक्ट का 2018 एडिशन लॉन्च, करीब 55,000 रुपए है कीमत, 72 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज। कंपनियों ने 9 से 20% तक बढ़ाए सीमेंट के दाम, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का दिया हवाला। भारत ने की जल शक्ति की नुमाइश, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में INS विक्रमादित्य पर पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर के शौर्य का प्रदर्शन। दिल्ली पर जकड़ता जा रहा है जाड़े का शिकंजा, 4 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान, 19 पर अधिकतम तापमान। पंजाब हरियाणा में जारी है ठंड का प्रकोप, नारनौल में 0 के करीब है पारा। राजस्थान में जारी है जमाने वाली ठंड, अलवर में 0 के करीब तापमान। बिहार में शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, लगातार गिरते पारे और कोहरे से हड़कंप। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात, 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा पारा, लेकिन धूप निकलने के कारण थोड़ी राहत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।